गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आप लोगों को इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से टेंस के बारे में बताऊंगा। टेंस आप लोगों को हमने पहले भी बताया था, जिसमें पास्ट परफेक्ट तक हमने बताया था आपको, और आज हम आपको बताएंगे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है वो जान लें। इसकी सबसे पहले पहचानने की जो तरीका होती है, तो सबसे पहले आप ये जानें कि जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, अथवा ते रहा था, ते रही थी, या ता रहा था, ऐसे शब्द होता है, सॉरी ऐसे वाक्यों के अंत में जब ये शब्द रहेंगे और साथ में क्या रहेगा आपका कि समय दिया रहता है, समय सूचक शब्द रहता है, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसका जो बनाने का नियम है वो हम यहाँ पे लिख दिया हूं। आप देखिए कि अफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपका, अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है, ये आपका अफर्मेटिव है, ये नेगेटिव है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का है। उसी तरह से हम सारे रूल्स को लिख दिए हैं, तो देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पढ़े होंगे तो उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब में दो चीजें मिलती है, एक हैज और एक हैव, इसके बाद आप बीन लगाते हैं, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, केवल हैड का प्रयोग करना है और हैड के साथ बीन लगता है, इसके साथ क्रिया का चौथा रूप का प्रयोग करते हैं। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर, चूंकि टाइम के लिए आपको बताया ही गया है, तो सिंस और फॉर के साथ जो होता है वो टाइम आपको देना होता है। सिंस और फॉर कहाँ प्रयोग होता है ये आप जान रहे हैं, पिछली वीडियो में आपको बताया भी गया होगा। तो सिंस का प्रयोग जहां पे समय आपका निश्चित रहेगा, जैसे मैं सिंस मॉर्निंग, सिंस 2 o'clock, सिंस मंडे, सिंस जनवरी। और फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पे टाइम आपका इंडिफिनिट होता है, मतलब अनिश्चित, जैसे मैं फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे, जहां पे आपका समय अनिश्चित रहेगा, तो जैसे में आपका हो जाएगा कि फॉर 2 hours, फॉर 2 days, फॉर 2 months। तो इस प्रकार से आपने देखा, उसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद आपको हैड एंड लगाना, चूंकि हैड एंड हमने यहाँ शॉर्ट में लिख दिया, आप इसको हैड नॉट करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद बीन, फिर बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम। उसी तरह से आप देखिए इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में क्या करना होता है आपको, जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप सब्जेक्ट के पहले लाएंगे, सब्जेक्ट के पहले ला करके फिर हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद जो आपका टोटल प्रक्रिया है, देखिए सब्जेक्ट के पहले हैड लिख दिए हैं, फिर बीन से आपका जो ये टोटल रूल है, देख सकते हैं कि सब्जेक्ट के बाद टोटल आपको यहाँ पे ही लिखना है। उसी प्रकार से इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, कभी कभी होता क्या है कि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी रहता है और उसके साथ नेगेटिव शब्द भी जोड़ देता है, जैसे में क्या वह 2 बजे से नहीं पढ़ रहा था, तो इसमें देखिए हेल्पिंग इंट्रोगेटिव भी है और नॉट भी लगा दिया है, तो इसके कारण आपको कुछ समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए हमने क्या किया कि इसको अलग से बताने का प्रयास किया है, उसके रूल्स भी लिख दिए हैं। तो इस रूल के आधार पर आप सेंटेंस को बना सकते हैं, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप हमें होमवर्क के जरिए या वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप में हमें बताएं कि सर इस चीज को हमें फिर से समझाएं, पुनः समझाने की हम प्रयास करेंगे आपको। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक उदाहरण आपको हम बताते हैं। देखिए उदाहरण हमने लिखा था कि सीता 2 घंटे से नाच रही थी। आप देख रहे हैं पहचान में बताया गया कि रहा था, रही थी, रहे थे और समय भी रहेगा, तो ये आपका क्या है, अंत में रहा था, तो जाहिर सी बात है इसी रूप से बनेगा, तो सब्जेक्ट में आपका सीता आ जाएगा, तो ये हमने सीता लिख दिया, ठीक है सीता। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ये हैड हो गया प्लस बीन, सीता हैड बीन, क्या कर रही है, वो नाच रही है, तो यहाँ पे इसका जो वर्ब है वो डांस होता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बिफोर देने कह रहा है, तो ये डांसिंग कर देंगे, सीता हैड बीन डांसिंग, सीता नाच रही थी। अब आते हैं 2 घंटे से, चूंकि समय का बोध करा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, तो आप जान रहे हैं कि 2 घंटा क्या है, इंडिफिनिट अनिश्चित है, इसलिए आप क्या करेंगे कि सीता हैड बीन डांसिंग फॉर 2 hours, ये हो गया। इसको नेगेटिव भी आप बना सकते हैं, सीता हैडन बीन डांसिंग फॉर 2 hours। आप देखिए कि WH वर्ड कैसे बनेगा, तो WH वर्ड को भी आप बना सकते हैं कि सीता 2 घंटे से क्यों नहीं नाच रही थी या क्यों नाच रही थी, तो सबसे पहले हम इसको इस रूप से बनाते हैं कि why
सीता बीन डांसिंग फॉर टू आवर्स, ये हो गया। और नीचे वाला देख सकते हैं कि वाई हैडन सीता बीन डांसिंग फॉर टू आवर्स। तो ये रहा आपका उदाहरण, और इसी उदाहरण के माध्यम से, चूंकि ये जो हमने उदाहरण को बताया है या बनाया इसी रूल्स पे आधारित है, और इस रूल के साथ आप कई सेंटेंस बना सकते हैं इस तरह के वाक्यों को। तो इस वीडियो के माध्यम से आप इसको समझने की कोशिश करें, और आज का हमारा ये वीडियो इसी के साथ समाप्त होता है। आप होमवर्क बना करके भेजें, हम लोग उसको चेक करेंगे। थैंक यू।